हेलो, आज हम मेटल स्टॉक का JSW स्टील की बात करेंगे। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा 52 वीक हाई के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। ऑप्शन डेटा एनालिसिस और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस क्या बोलता है इस स्टॉक का, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और डिस्क्लेमर ये है कि ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से है, ना कि कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सलाह के पर्पज़ से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, JSW स्टील में एक अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है। आप देख रहे हैं इस स्टॉक में 24 सितंबर का जो लो है 260 पे लो बना था, और वहाँ से स्टॉक लगभग 50 पॉइंट ऊपर आया है। और 50 पॉइंट ही नहीं, अगले एक साल के हाई को ब्रेक किया है। मीन्स कि कोविड से पहले वाला जो हाई था, उस हाई को हम रिटेस्ट किए हैं और उस हाई के ऊपर चल रहे हैं। ये दर्शाता है इस स्टॉक में कि स्ट्रेंथ है। और आप देख रहे हैं ये पूरा कैंडल कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन 290 के लो से बाउंस आकर के जो इंट्राडे हाई है 313, और क्लोजिंग जो हुई है 312, बिल्कुल हायर लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। और ये ओपन इंटरेस्ट का बार है। ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कंटिन्यू इस स्टॉक में एवरी डिप पे ओपन इंटरेस्ट जो रहा है लगभग 4 करोड़ के आसपास, और आज भी इसमें 4,24,87,000, मीन्स के 4.25 करोड़ ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में एक्यूमुलेटेड ओपन इंटरेस्ट ये है। तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ऊपरी लेवल पे आप देखेंगे, इस ये सबसे हायर ओपन इंटरेस्ट 4,24,71,000, और यहाँ पे भी 4,24,87,000 सबसे हायर ओपन इंटरेस्ट पे ओपन इंटरेस्ट ऐड है। सबसे हायर ओपन इंटरेस्ट ऐड है पार्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। तो ये इस स्टॉक में निचले लेवल से एक अच्छा खासा तेजी आ गई है, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन एज फॉर टेक्निकल, ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक फॉल करता है। टेक्निकल कहीं ना कहीं बीच में आपको फंसा सकता है। इसका ऑप्शन डेटा एनालिसिस करते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन डेटा एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो इसमें जो मेजर ब्रेकआउट लेवल था 300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 300 के पुट में भी एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ओवरऑल ये स्टॉक 300 के कॉल ऑप्शन को ब्रेकआउट करके गया है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से 300 को तोड़ करके 290 का सपोर्ट पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करेगा। तो ओवरऑल इस स्टॉक के तेजी में नहीं फंसना है। ये स्टॉक तेजी में है, लेकिन 310 के बाद 320, 320 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, और 300 का लेवल एक बार सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। दोबारा से 300 आएगा, कंसोलिडेट करेगा, और फाइनल इसका 290 के आसपास बॉटम बनते हुए हम देखेंगे। ऑप्शन के बेसिस पे ये दिख रहा है। और अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन का, 300 के कॉल ऑप्शन में एक ब्रेकआउट भी देखा गया है 15 रुपये के आसपास। ये 15 रुपये 55 पैसे का हाई को इसने, पुराने एक महीने के हाई को ब्रेक किया है, और जो लो है इस महीने के ऑलमोस्ट 5 रुपये का लो है, उस लो से लगभग 4 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में 25 रुपये का एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और फिर से हम 25 रुपये में 8 रुपये का गिरावट, 18 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक का नीचे के लेवल पे सपोर्ट होते हुए देखेंगे। 20 रुपये और उससे नीचे आएगा तो लगभग 12 रुपये, 12 रुपये पे, 12 रुपये भी आता है एक्सपायरी तक, तो इसका मतलब 310, 312 का जो हाई है ऑलमोस्ट हाई बन गया है। लेकिन अभी नीचे आता है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ऐसा मुझे चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन के डेटा एनालिसिस और एफ एंड ओ के ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से पता चलता है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आपने जैसे स्टॉक का हमने देखा
स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट सबसे हायर लेवल पे है, हायर लेवल पे है, और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें अब फॉल आना चाहिए, क्योंकि करेक्शन होगा तो ही जाके फिर से दोबारा तेजी आएगी। ये एज फॉर माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है। और वैसे आप देखेंगे कॉल के मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे ह्यूज ओपन इंटरेस्ट 300 के कॉल ऑप्शन में है, उसके बाद 310 के कॉल ऑप्शन में है, 320 के कॉल ऑप्शन में है, और सारे कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट पे है। 330 के कॉल ऑप्शन में भी ब्रेकआउट हुआ है, पिवोट से भी ऊपर चल रहा है। तो ये देखना है कि पिवोट जो है 4.80 पैसे के नीचे, जब तक ये कॉल शॉर्ट का को बिल्कुल भी सलाह नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है नीचे जाएगा, इसमें एक बाउंस ही आएगा, लेकिन उसके बाद इस लेवल पे खरीदारी नहीं करना चाहिए, मेरा व्यू है। स्टॉक लॉन्ग टर्म के पर्पस से अच्छा हो गया है, करेक्शन हो तो लेना चाहिए, और उस करेक्शन का कंफर्मेशन 320 का कॉल ऑप्शन का ब्रेकआउट लेवल 6 रुपये के आसपास है, और 9.35 पैसे की क्लोजिंग हुई है, तो ये 6 रुपये के नीचे ट्रेड करने लगे तो कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, और 7.50 रुपये के ऊपर जब तक है तब तक इसमें तेजी ही रहेगा। तो ये एनालिसिस है ओवरऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और इसी तरीके का वैल्यूएबल एनालिसिस जानते रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।